हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला, जो पेशाब से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जो पेशाब से जुड़ी बीमारियां होती हैं, उनमें कौन कौन सी दवाएं डॉक्टर द्वारा दी जाती हैं और उनको होने का क्या कारण होते हैं जो आपके पेशाब में समस्याएं होती हैं। पेशाब रुक रुक कर आना, जलन सा आना, पेशाब करते वक्त दर्द होना, आपके यूरेटर में ब्लेडर में सूजन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, पेशाब में धातु आना, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इनमें जो है जो कौन कौन सी मेडिसिन डॉक्टर द्वारा दी जाती हैं उसके बारे में बताएंगे। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ये दवाएं होती हैं। ये सब जो मैं आपको बताऊंगा, लास्ट वाली तो बहुत ही बेहतरीन होती है, जो लास्ट में आप सुनेंगे। तो पूरा वीडियो को देखना है, आखिर तक देखना। अगर आप आखिर तक देखते हैं तभी आप अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी डिसीज़ होती है पेशाब से जुड़ी, कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, उसके कारण क्या होते हैं। तो ब्लैडर डिसीज़ अगर किसी को है तब भी उसको एक प्रॉब्लम है। इंटरस्टिशियल क्रिस्टाइटिस मतलब गांठ होना ब्लैडर में आपके, तो उस कंडीशन में भी आपके पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर ये दिक्कत आपको देखने को मिलती है जो भी हमने आपको ऊपर बताई। किडनी स्टोन है तो किडनी स्टोन की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऑस्टोमी है तो उसमें भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। इसके अलावा ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम अगर किसी को हो तो उन लोगों को भी ये दिक्कत देखने को मिलती है जो अभी हमने आपको बताई। यूरिनलाइसिस में भी ये समस्या होती है, यूरिनरी इनकंटिनसेंसी में भी ये प्रॉब्लम होती है सारी की सारी। तो इन बीमारियों की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब जो है मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी दवाएँ दी जाती हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर बात की नाइट्रोबैक्ट, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर है यूटीआई इन्फेक्शन के लिए। मतलब आपके पेशाब में कोई भी प्रॉब्लम है, जलन है, दर्द है, रुक रुक कर पेशाब आ रहा है, इन्फेक्शन है, पस जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो नाइट्रोफेरेंटोइन बहुत ही तगड़ा काम करती है, बहुत ही बढ़िया काम करती है। नाइट्रोबैक्ट नाम से आपको मिल जाती है और ये 100 mg में टैबलेट आती है। एंटीबायोटिक ये दवा होती है, मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है। स्पेशली इसको जो बनाया गया है वो यूटीआई के लिए ही बनाया गया है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर आपके कोई इन्फेक्शन है, पेशाब में आपके कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए इसको बनाया गया है। इसको जो लेने की सलाह दी जाती है, इसकी जो डोज होती है सुबह शाम इसको लेने की सलाह दी जाती है, मतलब इसकी बीडी लेने की सलाह दी जाती है इसकी डोज सुबह शाम। दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों यूरिस्पास टैबलेट, जिसके अंदर फ्लोवेक्साइड हाइड्रोक्लोराइड होता है। ये जो फ्लोवेक्साइड हाइड्रोक्लोराइड होता है, ये दर्द अगर किसी के होता है पेशाब में, जलन सा आता है, मूत्र मार्ग में उसके कोई प्रॉब्लम है, ये फिर मसल स्पाज्म है उसके, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में उसके सूजन है, स्वेलिंग है, प्रोस्टेट ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, तो यूरिस्पास जो टैबलेट है खास करके जैसे किसी को पेशाब करते टाइम दर्द होता है या फिर जो उसको समस्या होती है उसके मसल्स स्पाज्म है, मसल्स में दर्द होता है, जो यूरेटर वाली जो मसल्स होती हैं उसमें दर्द होता है, तो उस कंडीशन में इसको खास कर दिया जाता है यूरिस्पास टैबलेट को। इसको जो लेने की सलाह दी जाती है 2 से 3 बार दिन भर में दिया जा सकता है, मतलब सुबह दोपहर शाम भी या फिर सुबह शाम भी, दिन में 2 बार या 3 बार दिया जा सकता है। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आती है अल्कासोल सिरप। अल्कासोल सिरप जो होती है दोस्तों, ये गोट में और यूरिक एसिड का लेवल अगर आपके इंक्रीज हो जाता, बढ़ जाता आपकी बॉडी में, तो उस कंडीशन में भी इसको लेने की सलाह दी जाती है। इसके अंदर अल्कासिट्राल के अंदर जो होता है वो होता है डाइसोडियम हाइड्रोजन, तो ये डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट, ये इसके अंदर सॉल्ट होता है। किडनी स्टोन अगर किसी को होती है तो उन लोगों को भी ये लेने की सलाह दी जाती है अल्कासोल सिरप। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन में भी लेने की सलाह दी जाती है, मतलब आपके पेशाब में कोई जलन है, पेशाब करते टाइम दर्द होता है, बार बार पेशाब आता है, तो उस कंडीशन में भी इसको लेने की सलाह दी जाती है। अब चौथे नंबर की दवा की बात करते हैं तो चौथे नंबर पर आता है अमीकासिन इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये जो इंजेक्शन होता है ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास की दवा है, ये भी एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करके मारकर आपकी बीमारी को ठीक करने का काम करता है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास की दवा है, ये जो है आपकी आपके बॉडी में सीरियस इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है, जैसे कि खास करके यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक करता है, आपके एब्डोमिनल मतलब पेट में कोई आपके इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का तो उसमें काम करता है। मेनिंजाइटिस जिसको बोलते हैं, जो दिमागी बुखार जिसको बोलते हैं, जो आपके ब्रेन के अंदर एक झिल्ली जो होती है वहाँ पर जो है परत स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको भी ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा आपके स्किन में कोई इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, जॉइंट में कोई इन्फेक्शन है, बोन इन्फेक्शन है, पेट में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, तो उन सब चीज़ों को ठीक करने का ये काम करता है ये अमीकासिन इंजेक्शन। तो दोस्तों, ये हमने आपको काफ़ी अच्छे से एक एक चीज़ समझाई इसके बारे में कि कौन कौन सी दवाएं दी जाती हैं पेशाब की अगर किसी को दिक्कत होती है। तो कैसी लगी आपको जानकारी? काफ़ी अच्छे से हमने आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।